फ्राइडे का सेशन हमने देखा, बाजार में फिर से आपको भारी उतार चढ़ाव बनते हुए दिखा, और जो FIs के आंकड़े आए हैं ये थोड़े चिंताजनक हैं। जो कैश मार्केट के आंकड़े आपने देखे हैं, 7,800 करोड़ से ज्यादा की उन्होंने कैश में बिकवाली करी है। क्या इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स भी थे? शायद वो भी हो सकता है, बट $1 बिलियन प्लस का ये जो सेल फिगर है वो जरूर चिंताजनक है। 6,000 करोड़ की DIs की तरफ से सपोर्ट भी आपको आते दिखा है, बड़ा सपोर्ट आया है, बट फिर भी FIs का आंकड़ा थोड़ा चिंताजनक है। इंडेक्स फ्यूचर्स में जरूर हल्की फुल्की खरीदारी करी है, 412 करोड़ की। स्टॉक फ्यूचर्स भी मामूली खरीदारी करी है, करीब 52 करोड़ की, पर कैश की बड़ी बिकवाली हुई है। आइए समझते हैं इन आंकड़ों को, और नया हफ्ता है तो बाजार की कहां पर रहेगी नजर, किस तरह से बनानी है आपको स्ट्रेटजी। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ हैं तैयार। अनिल सर, गुड मॉर्निंग, नए हफ्ते की है शुरुआत, बताएं सर आपकी कहां पर रहेगी नजर, किस तरह से बनानी स्ट्रेटजी, कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स, एंड ऑफ कोर्स ये जो फ्राइडे का एक्शन दिखा है, स्पेशली FIs का जो कैश फिगर बड़ा बिकवाली वाला है, उससे थोड़ी चिंता फैली हुई है, उस पर भी अपनी राय दें सर। गुड मॉर्निंग दीप, बिल्कुल उसमें कोई डाउट नहीं कि संकेत दोनों तरफ के, ज्यादातर संकेत नेगेटिव साइड पर है, जैसे कि FIs की तेज बिकवाली है, अमेरिकी बाजार में अभी भी कोई खास रिकवरी के संकेत है नहीं, थोड़ा सा यूं कह सकते हैं कि गिरना कम किया है या बंद किया है आज, क्योंकि अमेरिका में छुट्टी है तो बहुत ज्यादा संकेत आपको डाउट फ्यूचर मिल नहीं रहे। ये सारी चीजें जो, और जिस लेवल पर हम जाकर बंद हुए इस फॉल में, सबसे लोअर लेवल पर आपको फ्राइडे को क्लोज मिला, ये वीक की क्लोजिंग भी है, तो ये सारी चीजें हैं जो नेगेटिव साइड पर है। अच्छी चीजों में अगर आप देखती है कि कच्चे तेल में जो तेज गिरावट हुई है $5 की, वो थोड़ी हमारे लिए पर्टिकुलरली राहत देने वाली है, वो एक अच्छी खबर है। बाजार थोड़े हल्के तो है ही, ओवर सोल्ड भी है, थोड़े हल्के भी हैं, तो वो एक अच्छी बात है। तीसरा ये कि इम्पोर्टेंट सपोर्ट रेंज के आसपास पहुंच चुके हैं, जो हम कह रहे थे कि 14,900 से 15,200 की जो रेंज है ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। बैंक निफ्टी में 32,100 से 32,400 की जो रेंज है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो उस रेंज से शुक्रवार को थोड़ा सपोर्ट लेने की कोशिश की है। तो मेरा एक मानना है कि हम सीमित दायरे में कारोबार करते हुए दिखेंगे आज दोनों तरफ के संकेतों के बीच में। अब निफ्टी पर इमीडिएटली जो सपोर्ट है वो है 15,150 15,200 का, यहाँ से अगर नीचे आते हैं तो फिर 14,900 15,000 की रेंज तक आ सकते हैं, तो फिलहाल 15,150 15,200 आज के लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल होगा। ऊपरी स्तरों पर 15,400 से लेकर 15,525 की रेंज वो होगी, जहाँ तक बाजार जाने के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकते हैं, उसके बाद देखेंगे आगे क्या कुछ होता है। जहाँ तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 32,300 से 32,550 ये तुरंत आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा, इसके नीचे जाने पर फ्रेश कमजोरी होगी। और ऊपरी स्तरों पर बैंक निफ्टी पर 33,125 33,300 पहली रेंज है, जहाँ तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की तरफ से हो सकती है। दीप, मुझे लगता है कि जिस तरह से सुस्ती और हल्की कमजोरी दिख रही है, कमजोर शुरुआत होने के बाद निचले स्तरों से एक हल्का फुल्का सपोर्ट आकर रिकवरी होगी, और उस रिकवरी में वापस से आपको प्रॉफिट बुकिंग भी आती दिखेगी, तो शायद दोनों तरफ के ट्रेड अब आपको देखने को मिले आज के बाजार में।